नमस्कार बच्चों, दिस इज़ राजपाल सर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल राजपाल इंग्लिश टीचर कटनी। और आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में हो रहे बेस लाइन टेस्ट की सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अंग्रेज़ी का 10th क्लास बेस लाइन का पेपर कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग तैयार रहिए। अगर आपने इस टेस्ट को कर लिया है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन आंसर्स कहाँ गलत है और कहाँ सही है, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 10th विषय अंग्रेज़ी, जिसमें कुल प्राप्तांक 40 अंक हैं। 40 अंकों में देखते हैं आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको समय दूंगा और आप अपना जो है पसंदीदा आंसर आप टिक करेंगे और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा और क्यों वो आंसर होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है डू एज डायरेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड में पहले मैं आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। और आपके पास ऑप्शन है राइट, डेबिट, गो एंड हेल्प। ये आपके पास 4 वर्ड्स हैं, इनमें से आपको नाउन को पिकअप करना है, बाहर निकालना है। इसमें से नाउन कौन सा है, आपको समय शुरू होता है अब। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड, क्योंकि डेविड है किसी व्यक्ति का नाम है और नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को या फिर भाव को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर डेविड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड है, चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई नाउन, इसमें भी आपको नाउन ही फाइंड करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें नाउन कौन सा वर्ड है। ऑप्शन है गर्ल, गिव, ब्यूटीफुल, फास्ट। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने सोच लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है गर्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है जब हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं तब उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। ऑप्शन है इंटेलिजेंट, सी, सक्सेसफुली, दे। इनमें से आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, आपने कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी। डी में भी आपको एडजेक्टिव ही फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन है आपके पास हर, रिटन, काइंड, सचिन। इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है, जल्दी कीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है काइंड, ऑप्शन ई। इसमें आपको प्रोनाउन फाइंड करना है। ऑप्शन है रिच, पुअर, योर, मेक। जल्दी कीजिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। करेक्ट ऑप्शन है योर। लास्ट ऑप्शन एफ, इसमें आपको प्रोनाउन फाइंड करना है। प्रोनाउन, इसमें भी आपको प्रोनाउन फाइंड करना है। ऑप्शन है स्वीट, बॉय, वी, डॉग। आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, अब देखते हैं। करेक्ट आंसर है वी। इस तरह से पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, आपको नीचे दिए हुए थ्री वर्ड्स को मैच करना है। तो पहले हम उस तीन वर्ड्स पढ़ लेते हैं और उनके मैचिंग वर्ड्स को भी पढ़ लेते हैं कि किसको किससे मैच करना है। डॉग, कैट, काउ, और इसके मैचिंग वर्ड्स में है किटन, काफ और पपी। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है डॉग, कैट और काउ, इनके बेबी से हमको मैच करना है कि डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, कैट के बेबी को क्या कहते हैं और काऊ के बेबी को क्या कहते हैं। तो चलिए हम मैच करते हैं। तो डॉग के बेबी को कहते हैं पपी, तो डॉग को पपी से आप मैच कर लेंगे। कैट, कैट के बेबी को कहते हैं किटन, तो कैट को किटन से मैच कर लेंगे। और लास्ट तो आपसे बन ही जाएगा काऊ के बेबी को कहते हैं काफ। तो उम्मीद है आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विलोम शब्द। आपको विलोम शब्द को मैच लिखना है। वर्ड्स हमारे पास है रिच, गुड, ब्यूटीफुल और स्लो। आपको बताना है कि रिच का अपोजिट क्या होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिच का मतलब होता क्या है। तो रिच मीन्स होता है अमीर। तो अमीर को हम अमीर का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या कहेंगे, गरीब। तो गरीब को इंग्लिश में बोलते हैं पुअर। तो हमें रिच के सामने लिखना होगा पुअर। पुअर की स्पेलिंग है POOR, पुअर। तो नंबर वन का आंसर हो जाएगा पुअर। नंबर टू है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और सुंदर का अपोजिट होगा बदसूरत। बदसूरत को इंग्लिश में बोलेंगे अगली, UGLY, अगली। नेक्स्ट है गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, और अच्छे का अपोजिट इन्हें विलोम होगा बुरा। तो बुरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड, BAD, बैड। ओके, अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमे। तो तेज को क्या बोलते हैं हम, फास्ट, FAST, फास्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थ्री भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो हमारे पास है पहला सेंटेंस मेरा नाम मोहन है। तो मेरा को इंग्लिश में बोलते हैं माय। नेम इज मोहन, माय नेम इज मोहन। इसको लिखते समय आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लिखेंगे माय तो माय में एम कैपिटल होना चाहिए, और मोहन जब लिखेंगे तो मोहन में भी एम कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है उसके दो भाई हैं। उसके दो भाई हैं, इसका हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करेंगे ही हैज़ टू ब्रदर। ही हैज़ टू ब्रदर्स, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हम ये जो लिख रहे हैं इसको जल्दी इरेज कर दे रहे हैं, जल्दी मिटा दे रहे हैं। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दो बार तीन बार देख करके या पोज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास
और वो लास्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, सॉरी हमारे पिताजी एक शिक्षक हैं, हमारे को इंग्लिश में बोलते हैं अवर फादर, अवर फादर इज अ टीचर, अवर फादर इज अ टीचर, और लास्ट में हम लिख देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल के साइड में ही सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दें ताकि सब्सक्राइब हो जाए चैनल, और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे ही अगला वीडियो पड़ेगा, तो आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।